आज की हमारी पैथन क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो हमने ऑपरेटर्स की बात की थी कल, उसी में। और आपको मैंने एक इमेज शेयर किया था, उसी इमेज पे हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने शायद इसकी प्रैक्टिस की होगी, नहीं की होगी तो मैं आपको उसकी कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ताकि आप जो है उसको अपने हिसाब से कर सकें। तो ग्रुप में मैंने कल जो है आप लोगों को भेजा था इन चीजों को। एक बार ग्रुप में आते हैं, सबसे पहले हम ग्रुप में जो फोटो भेजे थे इसको देखते हैं। सबसे पहला यहां पे प्रॉब्लम है इंटरेस्ट निकालना, जिसका आप देख सकते हैं पी आर टी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट पर टाइम। चलिए इनको हम करते हैं। तो वीएस कोड, जैसे जानते हैं कि मैं वीएस कोड कंपाइलर के साथ यूज करता हूं, तो वीएस कोड को करता हूं ओपन। एक कोड पहले से इसको डिलीट करता हूं। अब इसमें मैं प्रिंसिपल इक्वल टू, अब मैं इसको इंट करके ले लेता हूं इनपुट से, कि इनपुट इनपुट, और इनपुट के अंदर यहां पे हम देते हैं एंटर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल की स्पेलिंग मिस्टेक है, अब यहां पे हम करते हैं आर इक्वल टू अगेन इनपुट इनपुट, और यहां पे हम करते हैं एंटर रे इन नंबर फॉर्म में, और इसको हम इंट में कर लेते हैं इंट, और इंट में हमने इसको दे दिया। फिर करते हैं टाइम टी इक्वल टू इंट, इंट के अंदर हम इनपुट इनपुट में हम करते हैं एंटर टाइम इन ईयर, और सब में स्लैश टी लगा देता हूं, ताकि जब भी एंट्री करूं तो एक ए ले ले स्लैश टू, एक डिस्टेंस दे दे। अब यहां मैं यहां पे आ गए, अब यहां पे आता है इंटरेस्ट आई इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट। तो रेट तो नंबर में है, तो मुझे यहां रेट नंबर में है, तो मुझे यहां पे रेट लेना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने किया आर इक्वल टू फ्लोट फ्लोट, और फ्लोट के अंदर आर डिवाइड बाय हमने 100 किया। फिर यहां पे पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी कर, और फिर यहां पे करता हूं प्रिंट। प्लीज म्यूट कर लें, बैड मैनर्स। और यहां पे लिखते हैं इंटरेस्ट आई आई इक्वल टू स्लैश टी, और यहां पे कॉमा हम देखते हैं आई। अब चलिए इसको रन करते हैं। यहां पे आते हैं और यहां से पूछते हैं रन, और यहां पे देखिए एंटर अमाउंट, तो मैंने यहां पे 50,000 डाला, एंटर किया रेट तो हमने 5% डाला, और टाइम मैंने मान लीजिए 3 साल। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट है 7500 हो रहा है, कितना हो रहा है 7500। अब यहां पे हम वापस अपने आते हैं यहां पे, इसमें एक है कि पी मल्टीप्लाई, यहां पे अमाउंट कैलकुलेट करने के पी मल्टीप्लाई बाय 1 + RT, पी मल्टीप्लाई मतलब 1 + RT। तो कैसे करें इसको, चलो यहां करते हैं अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में
वन प्लस अगेन ब्रैकेट आर मल्टीप्लाई बाय टी, हमने क्या किया आर मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहां पे प्रिंट करते हैं और प्रिंट में लिखते हैं अमाउंट इज, और यहां हम देते हैं स्लैश ए। अब देखिए इसको रन करते हैं, अब ये अमाउंट यहां पे देखेंगे, मैं यहां पे 50,000 डालता हूं एंटर, रेट में 5% डालता हूं एंटर, ईयर 3 साल डालता हूं। तो ये देखिए अमाउंट आपका इस तरह से आ रहा और टाइट, बट अमाउंट इस तरह से आया, मैं इसको क्या करना चाहूंगा, इसको मैं इंट कर देता हूं ताकि राउंड फिगर में हमारा आ जाए इंटीजर, या फिर हम डेसिमल फॉर्मेट की मदद से डेसिमल प्लेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए, उसके अलावा फिर मैंने ए आपके साथ किया ही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था। अब इसे यहां पे देखिए क्या है, यहां है ए इक्वल टू पीई पीई आफर ऑफ आर टी, इसको छोड़ देते हैं, आई थिंक ये अलग चीज है, इसी तरह से और भी है, सारी चीजें आप कर सकते हैं इसको इसी तर्ज पे। चलिए एक नीचे वाला मैं करके यहां पे करके दिखा दू, पी इक्वल टू आर पावर ऑफ यहां पे वन माइनस वन प्लस आई माइनस एन, आई क्या है रेट पर पीरियड यूजली आर डिवाइड बाई एम, और इस एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टाइम कंपाउंड, कंपाउंड एन इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई टी, एम मल्टीप्लाई बाई टी। तो मेरे पास यहां एन जो है हमारा वो एन इक्वल टू 12 है, एन एम एन इक्वल टू क्या है 12 है, मतलब कि मेरी मंथली कैलकुलेशन है। अब मैं इसमें आई निकालता हूं कि मैं आई क्या है, आई क्या है आर डिवाइड बाय एम, यहां दिख रहा होगा आर डिवाइड बाय एम, तो यहां पे ऑलरेडी मैंने आई यहां पे डाल रखा है, तो क्या करें इस आई को चेंज करते हैं, इस आई को मैं आई एन कर देते हैं, आई एन तो ऑलरेडी है, तो नहीं आई एन टी, नहीं आई एन टी इन तो हो जाएगा, आई अमाउंट सही है, यहां भी आई यहां पे आई इक्वल टू क्या है हमारा, ये हमारा आता है आर डिवाइड बाय एम, तो आर को डिवाइड कर दिया हमने एम से। उसके बाद एन इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय एम, यहां टी मल्टीप्लाई बाय एम है, एम टी मतलब। अब चलिए यहां पे करते हैं इसकी कैलकुलेशन, तो आर टी इक्वल टू सबसे पहले यहां पे आर टी में क्या आ रहा है पी मल्टीप्लाई बाय, तो पी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, या ऊपर इसको इसको कर रहे हैं उसी को कर रहे हैं वन माइनस वन प्लस आई, तो वन माइनस यहां पे कर दिया वन प्लस आई, फिर यहां पे पावर ऑफ एन, तो यहां पे एक और ब्रैकेट दूंगा मैं, और यहां पे दो स्टार पावर के लिए और एन करके ब्रैकेट क्लोज कर, उसके बाद उसके बाद डिवाइड बाय आई, तो एक ब्रैकेट यहां पे डिवाइड बाय, तो यहां पे हम एक और ब्रैकेट लेते हैं और इसको डिवाइड बाय क्या है हमारा आई क्लोज कर। अब यहां पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम यहां पे आर्ट भी कर, चलिए देख रन करते हैं, मैं यहां पे 50,000 डालता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए मैं यहां पे 5% दे दिया और 3 साल का दे दिया, एंटर करते देख ये रहा। तो फाइनेंशियल फॉर्मूला मोस्टली माइनस में आता है, इसे आपको माइनस में ले सकते हैं।
तो अब ये क्या है कैसे, मतलब कि मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो थोड़ी सी सिंपल वाली चीजों को भी देखते हैं। तो जो कोडिंग है इसको यहां से कॉपी करके प्लीज मैं नोट, एक्सप्लेन वंस कौन सी बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन वाला। सो दैट देखिए लास्ट लास्ट वन लास्ट वन में हमने कुछ नहीं किया है, यहां हमने अपनी कैलकुलेशन जो यहाँ हमारा जो इमेज कर रहा है इस इमेज के अकॉर्डिंग मैंने अपनी कैलकुलेशन कर ली है, और फिर इस कैलकुलेशन को मैंने यहाँ पे मतलब ये किया है कि पी मल्टीप्लाई बाय वन वन माइनस वन प्लस आई पावर ऑफ एन डिवाइड बाय आई, बस हमने बोर्ड मास मेथड को रखते हुए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हुआ है कि हर कैलकुलेशन इंडिविजुअली एक ब्रैकेट में होना चाहिए, हर कैलकुलेशन इंडिविजुअली एक ब्रैकेट में होनी चाहिए। अच्छा चलिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगेगी, सिंपल चीजों को देखते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा जो हमारा ये है इमेज है उसकी बात करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए एल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एल एल बी एच, मतलब कि हमारा एक फिगर है जिसमें एल है बी है एल और एच है। तो चलिए हम यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करते हैं कि एल इक्वल टू मान लीजिए 50 दे दिया, 50 नहीं बहुत ज्यादा हो गया 5 दे दिया, और बी इक्वल टू मैंने 10 दिया, और हाइट इक्वल टू मैं 8 दे देता। अब यहाँ पे आता है वॉल्यूम वी, वी इक्वल टू जो है हमारा सिंपल क्या है, एल मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच। अब यहां पे प्रिंट हम यहां पे वी कर सकते हैं, रन कीजिएगा तो यहां पे आपको दिख जाए, यहां देखिए 400 आया। अब इसी में दूसरा कैलकुलेशन रखते हैं, दूसरा कैलकुलेशन यहां पे आता है कि सरफेस एरिया के लिए 2h 2 मल्टीप्लाई बाय h l प्लस p, तो 2 मल्टीप्लाई बाय h, तो यहां पे सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया एस ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय h, लेकिन इसको हमें रखना है किसमें, ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, एल प्लस बी। अब इसको प्रिंट कीजिए, प्रिंट, और प्रिंट में आपको यहां पे एस के कर देता हूं, और मैं इसको रन करता हूं तो आपको यहां पे 240 दिख गया। तीसरा है कि यहां पे टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी प्लस बी प्लस एल मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई बाई एल, तो कैसे करेंगे इसको, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट, एक होल ब्रैकेट हो गया। अब उसके अंदर तीन कैलकुलेशन है जैसे एल बी, तो एल मल्टीप्लाई बाई बी, उसके बाद प्लस अगेन क्या है आपका, अगेन है आपका यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बाई एच, तो बी मल्टीप्लाई बाई एच, देन प्लस तीसरा कौन सा है एच मल्टीप्लाई बाई एल, यहां पे हम देते हैं एच मल्टीप्लाई बाई एल। अब यहां पे प्रिंट कीजिए, तो प्रिंट टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, तो आपको यहां पे उसकी भी कैलकुलेशन दिख जाएगी, तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे कि यहां देखिए क्यूब का मुझे ए वैल्यूम चाहिए, तो क्यूब का मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 50 मान लेता हूं, तो क्या है यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, तो ए क्यूब, तो हमने बताया था आपको कि यहाँ पे वी इक्वल टू हम क्या करेंगे ए डबल स्टार एन थ्री, क्यों निकालेंगे क्या करेंगे ए डबल स्टार एन थ्री, ये पावर निकाल के आपको दे देगा। यहां पे देखिए प्रिंट, और यहां पे हम करते हैं वी, ये आ गया आपका 50
फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय फिफ्टी, तीनों को क्यून करके दे दिया। अब यहां पे आता है फोर ए स्क्वायर, क्या रहा है फोर ए स्क्वायर, तो एस से वाले, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, एस ए इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई बाय इन दी ब्रैकेट, इन दी ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो ए डबल स्टार एंड टू, ये आपका एस से निकल जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट करते हैं यहां पे देखेंगे आप, एस ए यहां से रन किया, ये देख अब यहां पे अगला ऑप्शन आता है टोटल सरफेस एरिया, तो टी एस ए, टी एस ए तो टी एस ए ए में क्या है इक्वल टू, यहां पे हमारा आता है सिक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, सिक्स मल्टीप्लाई बाय ए डबल टू, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया है। इस तरह से करते हैं, अब जैसे देखिए राइट सिलेंडर है, अब इसको करते हैं, तो इसमें हमारा क्या है एच और आर है, रेडियस एंड हाइट है, तो यहां एच इक्वल टू मैंने 20 दे दिया और आर इक्वल टू मैंने दे दिया 5। अब इसका जो है वी वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम का क्या है, ये वॉल्यूम है आपका पाई आर स्क्वायर बाय एच, पाई आर स्क्वायर बाय एच। अब पाई का मान यहां पे कैसे लाएं, तो हम यहां पे मैथमेटिकल स्किल्स को जानेंगे कि पाई जो होता है वो 22/7 होता है, तो क्यों ना मैं यहां पे एक पाई नाम का वेरिएबल बनाऊं, तो पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। अब यहां पे वॉल्यूम इक्वल टू एक है पाई आर आर स्क्वायर बाय एच, तो पाई मल्टीप्लाई बाय और इन दी ब्रैकेट आर स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे एच करेंगे, और यहां पी ना होगा माफ कीजिएगा पाई होगा। अब इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में देते हैं बी, तो आप देखिए ये आपका यहां पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाय एच, अगर 20 और 20 हाइट और 5 रेडियस है तो उसी तरीके से आगे बोलते कि टोटल सरफेस एरिया में 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर मतलब बाय एच, ये तो सिंपल है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है सरफेस एरिया में कि पी आई मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहले 2 है मान लीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय पी आई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहां पे हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट में एस ए सरफेस एरिया रन कीजिए, यहां आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, इसको कराने के पीछे पर्पस क्या है, कराने के पीछे का पर्पस ये है कि ताकि आप जो है समझ सकें कि हम कैलकुलेशन के अंदर में ब्रैकेट्स कैसे लगाएंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ऐसे मैं तीसरा करता हूं कि ये आपका राइट सिलेंडर एल एच आर है, यहां एल एच आर, तो यहां पे एल इक्वल टू मान लीजिए 5 हो गया, एच इक्वल टू मान लो 10 हो गया, और आर इक्वल टू अगेन हमारा 5, और एल को बना देता हूं 5 में 15 कर देता। अब इसमें देखते हैं इसमें वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए कोड है 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बाई एच, तो सबसे पहले इन दी ब्रैकेट में 1/3 कर, फिर मल्टीप्लाई बाई हमारा पाई है, फिर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई हमारा एच है, क्या है एच है।
ठीक है। फिर यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में हम करते हैं वी टू वाले वाले। तो आप समझ में आया आपको कि कैसे करते करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन? किसी को डाउट इस पे? किसी को डाउट है इस पे? ठीक चलिए। तो इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें, इसमें हम क्या बात करेंगे? लॉजिकल ऑपरेटर कि लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज होता है। इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं नोटपैड पे। जैसे मैंने यहां पे लिखा ए इक्वल टू 50 और b इक्वल टू 60 लिख, फिर c इक्वल टू मैंने बोला a इक्वल डबल इक्वल एंड b, तो c पे क्या रिजल्ट पेस्ट हो? तो जाहिर सी बात है ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट प्रिंट होता है। देखिए फॉल्स हुआ। तो अब यहां पे समझिए, कोई वैल्यू अगर साइन करना है तो आप लगाएंगे इक्वल, क्या लगाएंगे? इक्वल लगाएंगे। लेकिन जब किसी वैल्यू को नहीं, किसी वैल्यू को अगर आपको इक्वल करना हो, मतलब कि लॉजिक देना हो, लॉजिकल ऑपरेशन देना हो, तो उस केस में क्या करेंगे? रिलेशन ऑपरेशन को बोलते हैं। उस केस में हम डबल इक्वल देंगे। उसी तरह से यहां देखिए कि सी इक्वल टू अगर मैं देता हूं कि ए ग्रेटर देन बी, या सी इक्वल टू हम करेंगे यहां पे कि ए लेस देन बी, या फिर सी इक्वल टू ए ग्रे सी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यहां पे ए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो दो ऑपरेटर्स, दो वैल्यू या दो दो डेटा टाइप्स के बीच में हम कंपेयरिंग करते हैं, रिलेशंस करते हैं। तो ये हो जाता है आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड सी इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू हम करते हैं बी, और सबसे लास्ट होता है कि सी इज इक्वल टू और एक्सक्लेमेशन मार्क अगेन इक्वल यहाँ पे ए ए ए आपका आता है बी, उसको बोलते हैं नॉट इक्वल। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल थ्री। तो एक चीज समझिए आप कि अगर दो वैल्यू को आपस में मैच करना हो तो हम देते हैं ये ए डबल इक्वल टू बी, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आएगा। रिजल्ट सब में ट्रू एंड फॉल्स है। अगर ग्रेटर देन चेक करना है तो हम देते हैं, अगर लेस देन चेक करना है तो देते हैं, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 50 या 50 से ऊपर हो, या 50 50 से नीचे हो, या 50 के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। अब को देखिए, इस तरह से मैच तो नहीं करते हम, इसके लिए कुछ कंडीशन देते हैं। जी हाँ, इसके लिए हम कंडीशन देते हैं इफ का। जैसे मैं यहां पे कंडीशन दूंगा कि इफ इफ मैं दूंगा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यहां पे सेमी कॉलन, तो कुछ और रिजल्ट हो जैसे प्रिंट, और प्रिंट में हम क्या करेंगे? प्रिंट में जैसे हमने ओके किया, फिर यहां पे हम देंगे
एल्स, और यहां पे हम देंगे प्रिंट, और प्रिंट में देंगे पेंडिंग, इस तरह की चीजें करें। तो जो इफ का फॉर्म पार्ट है ये हम आपको आगे वाले क्लासेस में सिखाएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने बात की कि किसी लॉजिक ऑपरेटर को कैसे लगाया जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर कैसे लगाया जा सकता है, और साथ में हम रिजल्ट को ट्रू एंड फॉल्स कैसे करेंगे, मैथमेटिक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं ऑपरेटर्स के अंदर। इसमें एक चीज और भी होता है आपका एंड नॉट भी होता है। जैसे यहां पे अगर हम करें कुछ, अब यहाँ पे कुछ और लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जो हम लॉजिक ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि सी इक्वल टू ए एंड वाई, ए एंड वाई, सॉरी ए एंड बी होगा ना, बी ए एंड बी, ऐसे ही आपको देते हैं सी इक्वल टू ए और बी। अब इसका यूज क्या होता है, फिर ऐसे नॉट आता है, यहां पे लिखते हैं सी इक्वल टू नॉट बी। अब इसका यूज हम आगे क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब दो या दो से ज्यादा कंडीशन यूज करना होता है तो एंड और, या कोई कंडीशन को अपोजिट करना होता है तो हम नॉट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नॉट का। कंट्रोल स्टेटमेंट की क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्लासेस होगी उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिस तरह इज भी होता है और इज नॉट भी होता है उसके बारे में बात। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि पैथम के अंदर इनबिल्ट जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो क्या क्या है उसके बारे में बात। क्लास के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, डाउट वगैरह हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको करेंगे। और जो कोडिंग आप बनाते हैं तो प्लीज एक बार ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि पता तो चले कि आप लोग किस तरह से इसका यूज कर रहे हैं।